rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां इस वक्त मैं बैठा हूं, वहां कल इसी वक्त बहुत ज़्यादा शोर होगा। यहां पर हज़ारों लोगों की भीड़ होगी और सामने मंच पर होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सभी मंत्री। कल का दिन बेहद ख़ास है, ख़ास इसलिए क्योंकि झारखंड सरकार अपने 2 साल पूरे कर रही है। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल यहाँ मौजूद होंगे। और जिस जगह मैं बैठा हूँ, इस जगह आप में से कोई बैठा होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहा होगा। तो ये कार्यक्रम कल का बेहद ख़ास होने वाला है। हम यहाँ पर हैं कि यहाँ की तैयारियाँ आप तक पहुँचा सकें कि कैसी तैयारी है, जब कल यहाँ या तो आप मौजूद होंगे या इस जगह को टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे या अखबारों में इसकी तस्वीरें देख रहे होंगे, तो आप इस जगह की तैयारियाँ समझ सकें कि कैसी तैयारी थी और कल जो कार्यक्रम होने वाला है वो कैसा रहने की संभावना है। तो हम एक दिन पहले इस जगह मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि तैयारी कैसी है और किस तरह यहाँ सरकार के 2 साल के कामकाज को आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। आइए चलते हैं और देखते हैं तैयारियाँ कैसी चल रही हैं यहाँ पर। सामने मंच है जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद होंगे और मंच के बाद जो कुर्सियाँ आप देख रहे हैं वहाँ आप बैठकर उन्हें सुन रहे हैं। आपके स्वागत की तैयारी के लिए इस तरह के मुराबादी के चारों तरफ कई गेट बने हैं और कई तरह के विभागों की आउटलेट, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ पे होगी, जिसमें सरकार के अब तक के कामकाज, अब तक के हिसाब किताब, सरकारी योजनाएं, जो बेहतर काम हो रहा है उसका जिक्र इन आउटलेट्स पर मिलेगा। इस तरह के बैनर और पोस्टर अभी बन रहे हैं, कुछ बनकर तैयार हैं और इस तरह एक एक फ्लैग्स बन रहा है जो यहाँ पर लगेगा और इसी के माध्यम से आप तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचेगी। यहाँ इस तरह के कई ब्लॉक बने हैं और इसी तरह के ब्लॉक में जो कल शामिल होने लोग आएंगे उनको बांटा गया है। ये एक तरफ का सेक्शन है जहाँ लोगों को बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा इस ब्लॉक के इधर भी कुर्सी का रंग बदलता है और इस तरह की कुर्सी यहाँ लगी है जहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा एक और ब्लॉक है जो आगे बैठने वाले दर्शकों के लिए बना है और यहाँ से मीडिया के लोग इसे कवर कर सकेंगे, इस कार्यक्रम को, इस पूरे कार्यक्रम को। यहाँ मीडिया के वो सारे कैमरे होंगे जो मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री के संबोधन को कवर करेंगे और आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके घरों तक उसे पहुंचाएंगे। और मीडिया के लोगों के बैठने के लिए ये एक छोटा सा ब्लॉक बनाया गया है। इसके अलावा आगे वीआईपी, वीवीआईपी, मंत्री, विधायक, सरकार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी अधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा मंच पर भी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। एक विशाल, बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरह से टेंट बनाया गया है जो वाटरप्रूफ है और अगर बारिश भी होगी तो इस कार्यक्रम में खलल ना पड़े, इसकी पूरी कोशिश होगी। और यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर सरकार के 2 सालों के कामकाज के हिसाब को समझ सकेंगे, देख सकेंगे। यहाँ जो इस तरह के बैनर आप देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं का जिक्र है, जिसमें जो जो काम मुख्यमंत्री ने किए हैं उस संबंध में जानकारी दी गई है। अगर इसमें देखें तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्वरोजगार का खुल रहा द्वार, 25 लाख तक ऋण दे रही है झारखंड सरकार। तो ये सारे वो काम हैं जो मुख्यमंत्री ने किए हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेंटर में लगा है। आप देख रहे होंगे कि ये पूरे मंच के तीनों तरफ बड़े बड़े बैनर में लगा हुआ है। यहाँ वो सारी बातें, सारी योजनाओं का जिक्र है जो मुख्यमंत्री ने किए हैं। इसके अलावा मंच पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी मंत्रियों की तस्वीर यहाँ पर लगी है एक एक कर।
और मंच हरे और सफ़ेद रंग के पर्दे से सजाया गया है। मंच पर मौजूद होकर अगर आप स्टेज तक नहीं देख पा रहे हैं तो इसके लिए इस तरह की छोटी छोटी स्क्रीन्स सभी सेक्शन में, सभी ब्लॉक में लगी है, जहां से आप पूरा कार्यक्रम यहां पर भी देख सकेंगे। इसके अलावा रांची के मुराबादी मैदान में सभी तरफ, चारों तरफ मैदान के बड़ी स्क्रीन लगी है, वहां भी प्रोजेक्शन की संभावना है कि आप पूरा कार्यक्रम देख सकेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार ने कई शहरों के चौक चौराहों पर प्रचार के लिए LED लगाई है, वहाँ भी कार्यक्रम के बाद या संभव है कि कार्यक्रम के वक्त आप लाइव देख सकेंगे। तो ऐसी तैयारी है कि बृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को आप तक और उनकी योजनाओं को आप तक पहुँचाया जा सके। ये देखिए मैदान के बाहर किस तरह सभी स्क्रीन्स को एक्टिव कर दिया गया है और सभी स्क्रीन पर संभव है कि मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा मैदान के बाहर एक अच्छा स्पेस, एक खाली स्पेस रखा गया है, जहां अंदर जिस तरह छोटे छोटे बैनर में ऊपर ये सरकारी योजनाओं का जिक्र है, यहां पर भी उसी तरह सभी योजनाओं का जिक्र एक एक कर किया गया है। झारखंड में अब भी सभी ज़रूरतमंदों को पेंशन कोई लाभुक नहीं रहेगा छूता, ये सारी योजनाओं का जिक्र एक एक कर यहाँ पर इस तरह के पोस्टर में किया गया है। तो झारखंड के लिए कल का दिन बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3,195 करोड़ की सौगात राज्यवासियों को देंगे, जो अलग अलग मद पर योजनाओं में खर्च होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी देंगे और कई तरह के उद्घाटन और कई तरह की योजनाओं का शुभारम्भ यहाँ से किया जाना है। तो कल हमारी ये भी कोशिश होगी कि पूरा कार्यक्रम आप तक पहुंचा सकें, यहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा सकें। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल तैयारियों पर आपकी क्या राय है, उसकी प्रतिक्रिया के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। धन्यवाद, नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।